सबसे कम क्या बजट में आ जाता है? सबसे कम बजट की बात करें तो 15,000 से भी हो जाता है, 15,000 से शुरू हो जाता है। और एक चीज़ और मैं आपको ऐड कर दूं कि जितनी भी बाइक आप अंदर में देख रहे हैं, जितनी भी, मैं कह रहा हूँ यहाँ से लेके वो आखिरी तक जहाँ तक मैं आपको दिखाऊंगा, वो सारी बाइकें बैंक से खींची हुई बाइक है। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। ये जो पहली स्प्लेंडर थी वो आप देख लीजिए 2020 मॉडल थी, दूसरी वाली भी आप देख रहे हैं ये भी 2020 मॉडल। इसका आपने रेट क्या बताया? इसका कीमत आपको पड़ेगा 48,000 रुपए में आप खरीद सकते हैं 19 मॉडल पैशन। आप पास से आकर कंडीशन भी देख लीजिएगा। सबसे पहले भाई आप सब की चहेती, मेरी भी चहेती भाई आप लोगों के लिए, स्प्लेंडर है, बाजू में यहाँ पे ग्लैमर दिख रहा होगा, फिर नई वाली पैशन प्रो है, पुरानी वाली पैशन प्रो है, और बात करें यहाँ पे तो जो भाई अपनी ग्लैमर आती थी इसी से ग्लैमर प्रचलित भी हुई थी हमारे बीच में, वो आपको दिख जाएगी सुपर स्प्लेंडर। लेकिन अब जहाँ पे हम लोग पहुंचे हैं ना, आज की डील बाइक है, मतलब ये समझिए कि आपको ऐसे रेट में इतनी महंगी बाइक मिलेगी आपने सोचा नहीं होगा। रेट के लिए यहाँ पे नहीं सोचना है, रेट अच्छा। आप कहीं भी कंपेयर कर सकते हैं, दूसरे भी ऑटोमोबाइल्स या बाइक बेचते हैं उनसे भी आप जाकर पता कर लीजिएगा, वहाँ से आपको रेट कम ही मिलेगा। हाँ चलिए, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं रोमिंग बर्ड यूट्यूब चैनल, और रोमिंग बर्ड फेसबुक पेज भी अगर आप देख रहे हैं तो दोनों ही प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है, और स्वागत है आप लोगों का सेकंड हैंड बाइक शोरूम के वीडियो में। तो भाई मैंने बाइक तो आपको दिखाई है, लेकिन हमेशा से ही बाहर में मैंने बाइक का वीडियो शूट किया है, लेकिन आज जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो काफ़ी सारे भाइयों को पसंद आएगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि भैया बाइक लेनी है हमें, लेकिन कुछ ऐसी जगह दिखाए ना जहाँ पर लोग जाते ही भाई एक हो जाए कि हाँ यहाँ पर विश्वास कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ का और ख्याल मैंने रखा है कि भाई इस डीलरशिप से जो मैं आपको दिखाऊंगा ना बाइक, लोग कहते हैं कि भैया हीरो की बाइक कम आती है, इनकी चॉइस ये है कि हम हीरो की ही बाइक आपको दिखाएंगे। तो ये सब कुछ अगर आप चाहते थे कि हमें एक अच्छे शोरूम से दिखा दीजिए सेकंड हैंड बाइक की वीडियो, हमें हीरो की बाइक ज़्यादा से ज़्यादा दिखाइए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। और एक चीज़ और मैं आपको ऐड कर दूं कि जितनी भी बाइक आप अंदर में देख रहे हैं, जितनी भी, मैं कह रहा हूं यहां से लेके वो आखिरी तक जहां तक मैं आपको दिखाऊंगा, वो सारी बाइकें बैंक से खींची हुई बाइक है। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, मैं खुद ही एक्साइटेड हूँ भाई। वीडियो कहाँ की है? वीडियो है सिंह मोटर्स की। चलिए थोड़ा सा अंदर आते हैं और देखते हैं क्या कुछ कलेक्शन है। तो सबसे पहले भाई आप सब की चहेती, मेरी भी चहेती भाई आप लोगों के लिए, स्प्लेंडर है, बाजू में यहाँ पे ग्लैमर दिख रहा होगा, फिर नई वाली पैशन प्रो है, पुरानी वाली पैशन प्रो है, और बात करें यहाँ पे तो जो भाई अपनी ग्लैमर आती थी इसी से ग्लैमर प्रचलित भी हुई थी हमारे बीच में, वो आपको दिख जाएगी सुपर स्प्लेंडर। एंड देन आपको पल्सर वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएगा। वीडियो कहाँ पे मैं शूट कर रहा हूँ, जैसा मैंने बताया सिंह मोटर्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे बाई सेल एंड एक्सचेंज, ये पड़ता है भाई पटना आरा मेन रोड पे, आरा से 10 किलोमीटर जस्ट पहले है कोइलवर नाम की एक जगह है, वहीं पे ये वीडियो शूट हो रही है। पहले भी मैंने यहाँ का वीडियो लेकर आया है, बहुत सारा आपने प्यार दिया है। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग करते हैं स्टार्ट। जिन भी भाइयों को बाइक लेना था, उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो बहुत ही भाएगी, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मिलवाते हैं यहाँ से अरविंद जी से, और फिर एक एक करके उनसे जानेंगे सारी ही बाइक के डिटेल, क्या कुछ फैसिलिटी आपको मिलती है, वो सब कुछ के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। बस आपने क्या करना है, यहाँ से लेकर वीडियो को आखिर तक पूरा देखना है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग करते हैं स्टार्ट, और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे मिलवाना चाहूँगा सिंह मोटर से, अरविंद जी से। तो अरविंद जी एक बार आ जाइए हमारे चैनल पर। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, कैसे हैं आप? जी मैं बहुत बढ़िया। आज क्या स्टॉक हम लोग लेकर आए हैं, क्योंकि बाइक की वीडियो सिंह मोटर्स यहां से पहली बार जा रही है, तो स्टॉक क्या है अपने पास? स्टॉक तो हमारे पास बहुत सारी गाड़ियों के मिलेगी, जैसे में स्प्लेंडर भी है, ग्लैमर भी है, नई वाली पैशन भी है, पुरानी वाली पैशन भी मिलेगी, और उसमें से 150 cc में पल्सर भी है उसमें, और हमारे पास उससे भी बढ़ के एक एक्सपल्स भी है एक्सपल्स भी है जो थोड़ा सा एडवेंचरस लुक देती है, बहुत ही शानदार बाइक है।
मतलब बाइक का कलेक्शन अपने पास भर भर के है। हमारे पास सभी तरह की बाइकें मिलेगी, सभी तरह की बाइक मिलेगी, बिल्कुल सभी तरह से। सबसे जो चहेती बाइक होती है, लोगों की सबसे ज्यादा पसंद होती है, वो होती है स्प्लेंडर। बिल्कुल स्प्लेंडर होती है जो है वो आप देख ले, लोगों की पसंद होती है। सही बात, या तो बूढ़ा हो या जवान हो या कोई स्पोर्ट्स बाइक राइडिंग करने वाला हो, हर कोई स्प्लेंडर को पसंद करता है। डिटेल दे दीजिए थोड़ा सा फिर इसके बारे में। ये स्प्लेंडर है आपका 2020 मॉडल। अच्छा, ये 16172 किलोमीटर चला हुआ है। ठीक है, इसमें से कि इसका हम लोग का एक शोरूम प्राइस है 59,000, लेकिन 59,000 आपके जो रोमिंग बोर्ड के थ्रू जो भी व्यूअर्स यहाँ पे आएंगे उनको 58,000 लग जाएगा। 58,000 लग जाएगा, बहुत प्लस में आपका ट्रांसफर अलग से, आपको ट्रांसफर का आपने अलग से देना है। तो आप जो पहली बाइक देख रहे हैं थोड़ा सा पास से आप जाकर देख लीजिए बाइक की क्या कंडीशन है क्या नहीं। तो 2020 मॉडल हीरो स्प्लेंडर प्लस है, जिसका इंश्योरेंस तो अभी 2025 तक होगा। हाँ, इंश्योरेंस इसका 2025 तक इंश्योरेंस है, अक्टूबर महीने तक। मतलब ये बाइक भी है अक्टूबर 2020 की। 59,000 रेट था, भैया ने कहा है कि अगर आएंगे आप रेफरेंस देंगे 58,000 रुपये में आपको मिल जाएगी। आरा साइड से जितने भाई लोग देख रहे हैं देख लीजिए भाई, आप लोग के लिए बाइक की वीडियो लेकर आ गए हैं। नेक्स्ट अपने पास एक और स्प्लेंडर है, अरविंद जी क्या है इसका? ये भी 20 मॉडल नहीं है इस। अच्छा, ये थोड़ा सा 19,000 उससे कुछ ज्यादा चला हुआ है, 3,000 ज्यादा चला हुआ। लेकिन इसमें दोनों टायर चेंज किया हुआ है, दोनों टायर नया है, एकदम ब्रांड न्यू टायर मिलेगा बिल्कुल। और इसका भी सेम स्पेसिफिकेशन है जो इसका है, इसका भी वही है। इंश्योरेंस भी इसका 2025 तक है। ठीक है, अक्टूबर महीने तक, अक्टूबर महीने तक इंश्योरेंस है। गाड़ी जो आप देख रहे हैं भाई, आप लोगों की चहेती है, गलत तो नहीं कह रहे हैं? स्प्लेंडर तो सारे लोगों की चहेती है, सारे लोगों की चहेती है बिल्कुल। तो इसको भी इसको स्पोर्ट्स लवर भी चलाने वाला इसको पसंद करता है, और लोग जो ज्यादा एजेड के हैं वो तो स्प्लेंडर चाहते ही है, बच्चा हो बच्चा भी स्प्लेंडर को पसंद करता है, और बाकी सारे लोगों के लिए स्प्लेंडर बहुत ही बेस्ट गाड़ी होने बेस्ट वाली। गाड़ी है जैसा इसकी कि सबसे बड़ी खासियत ये है बिल्कुल कि कंपनी आज तक इसको अपडेट नहीं किया, और जितने भी कस्टमर भी हैं कस्टमर इसी मॉडल को ज्यादा पसंद करते हैं। बीच में जी इसका एक मॉडल आया था दीपावली के अवसर पर, इसका मॉडल आया था जो ज्यादा मार्केट में चला नहीं, कंपनी उसको फिर से बंद कर दिया। मतलब कस्टमर भी चाहते हैं यही वाली है, कस्टमर इसी को पसंद करता है, कस्टमर भी इसी को पसंद करता है। थोड़ा सा मैं आपको पास से दिखा देता हूँ, तो आप देख लीजिए ये जो पहली स्प्लेंडर थी वो आप देख लीजिए 2020 मॉडल थी, दूसरी वाली भी आप देख रहे हैं ये भी 2020 मॉडल। इसका आपने रेट क्या बताया? रेट इसका भी सेम ही लगेगा, इसका भी 58 ही लगेगा। इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसमें दोनों टायर आपको नया मिलेगा, दोनों टायर तो नया है अरविंद जी, लेकिन 3,000 उससे ज्यादा चला हुआ है। ठीक है, और इसका टायर नया है इसलिए दोनों का प्राइस हम लोग सेम ही रखेंगे। ठीक है, प्राइस सेम रहेगा। एक चीज आप देख लीजिए, BR22 अपना बेतिया का नंबर है। एक चीज हमें बताइएगा, जैसे इसमें मिरर नहीं लगा हुआ है, इसमें तो लगा हुआ है, तो मिरर के बारे में थोड़ा सा अगर लेने आएंगे तो लगा के दे देंगे। कोई भी कस्टमर आएगा हमारे पास आपके थ्रू, तो उसको चालू पीरियड में गाड़ी मिलेगा, बैटरी नया डालकर मिलेगा, उसमें मिरर जो होता है मिरर भी मिलेगा, बाकी जो चीज वगैरह गाड़ी में एक नया गाड़ी में होता है वो सारे हम लोग कम्प्लीट करके। क्या बात है भाई, तो यही बात होती है जब आप बाइक को खरीदते हैं शोरूम से। तो आप देख सकते हैं दो दो स्प्लेंडर हमने एक साथ दिखाई है, दोनों ही 20 मॉडल दिखाई है। अगले पे हम लोग आते हैं, पटना नंबर ग्लैमर दिख रहा है, क्या डिटेल है इसका? ये ग्लैमर 2019 मॉडल है। अच्छा, ये 14,000 चला हुआ है। ठीक है, इसका रेट हम लोग शोरूम का 49,000 रखे हैं। आपको रोमिंग बर्ड के थ्रू जो भी कस्टमर्स आएंगे ठीक है उनको 47 हम कर देंगे, 2,000 डिस्काउंट कर देंगे, 2,000 डिस्काउंट। इसका सबसे प्लस पॉइंट है कि ग्लैमर को सबसे ज्यादा ये मॉडल यूज किया जाता है ऑफिस वर्क के लिए, ऑफिस वर्क या डिलीवरी बॉय भी इसको ज्यादा इस्तेमाल करता है। और 125 सीसी सेगमेंट का सबसे कम्फर्ट बाइक है, सबसे कम्फर्ट बाइक है, साइन से भी ज्यादा कम्फर्ट बाइक आप देख भी सकते हैं बिल्कुल। तो आप देख लीजिए, ये भाई दूसरे वाली सेप है, क्योंकि ज़्यादातर ग्लैमर आप उस सेप में देखेंगे, उस पर हम लोग आएंगे। तो पहले आप देख लीजिए भाई BR01 अपना पटना रजिस्टर्ड आप ग्लैमर देख रहे हैं, जिसका कि पूरा डिटेल इस पर लिखा हुआ है कि 2019 के नवंबर का है, 14,000 चला हुआ है, 24 तक इसका इंश्योरेंस भी है, 24 तक इंश्योरेंस है, बहुत बढ़िया। तो 2024 तक इंश्योरेंस भी वैलिड है, भैया ने रेट बताया 49,000 आएंगे तो 1,500 कम कर देंगे, उसका कम हो जाएगा। हाँ जी, उसके लिए नहीं सोचना है। बाकी एक साथ लगी हुई है दो दो पैसन, एक नई वाली एक पुरानी वाली, डिटेल दे दीजिए। BS6 पैशन प्रो है। अच्छा, ये 20 मॉडल है। ठीक है, इसका 14,000 किलोमीटर चला हुआ है। तो पूरा डिटेल आपको मिल गया है कि 2020 मॉडल है, चली हुई है 14,000, 25 तक इंश्योरेंस इसका भी है। हाँ, इसका भी 25 तक इंश्योरेंस। ठीक है, हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पे, कितने की मिल जाएगी ये बाइक?
ये बाइक आपको 57,000 पड़ेगी, 57,000 में मिल जाएगा। ठीक है, तो 57,000 रुपये में आप नया वाला पैशन खरीद सकते हैं, पैशन प्रो BS6। माइलेज आपने बताया कि 55 तो आराम से देती है, शहर में 50-55 सिटी में आपको माइलेज दे देगी। उसके बाद अगर हाईवे पे आप चलते हैं तो इसका माइलेज 60+ देगा, 60 के ऊपर का माइलेज है। बिल्कुल, BS6 में जो सबसे ज्यादा अपग्रेडेड किया गया है वो फ्यूल को लेकर किया गया है। अच्छा, तो BS6 फ्यूल के लिए ही जानी जाती है, इसलिए बहुत ज्यादा फ्यूल बचाती है BS6 बाइक में। बिल्कुल, तो फ्यूल आपको अच्छा खासा मिलेगा, 110 सीसी होने के बावजूद अच्छा खासा पिकअप मिल जाता है और प्लस में इसमें माइलेज भी हो जाती है। बिल्कुल, तो आज की डेट में कस्टमर को क्या चाहिए, पिकअप और माइलेज दोनों, जो दोनों इस बाइक में है, दोनों ही इस बाइक में है। तो जिन भी भाइयों को लेना था पैशन प्रो BS6, आप पास से जाकर देख लीजिए क्या कंडीशन है क्या नहीं। उसी के साथ में एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा अरविंद जी, कि ज्यादातर आपने कहा है कि जितनी भी बाइक आपके पास है बैंक से खींची हुई, इसका मेन वजह क्या है, क्या वजह है? बैंक से खींचने का मेन वजह होता है ना कि जो कस्टमर जैसे दूसरा से हम बाइक लेते हैं तो वो किस तरह से बाइक को चला रहा है, कितना बार उसका इंजन खुला है, इसके बारे में हम लोग अननोन होते हैं, या उस बाइक को किस काम में ले रहा है, अच्छा मतलब कि कोई इलीगल एक्टिविटी है या नहीं है, तो इन सारी चीजों के बारे में कोई आदमी दूसरा कोई नहीं जानता है। तो इसलिए अगर हम लोग बैंक से खींचा हुआ गाड़ी लेते हैं तो उसमें इस तरह का कोई बात नहीं होता है। बिल्कुल, क्योंकि आप एक कंपनी से खरीद रहे हैं। हाँ, उसका रेपुटेशन सही है, वो साफ सुथरा गाड़ी मिलेगा, साफ सुथरा गाड़ी मिलेगा, प्लस में हम लोग बैंक से खींचा हुआ ज्यादा प्रेफर करते हैं। बहुत बढ़िया, तो इसी वजह से आप जो गाड़ी देख रहे हैं वो बैंक से खींची हुई है, और इसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो आप रेट कंपेयर कीजिएगा, आपको अच्छा रेट मिल जाएगा। ठीक है, रेट के लिए यहाँ पे नहीं सोचना है, रेट आप कहीं भी कंपेयर कर सकते हैं, दूसरे भी ऑटोमोबाइल्स या बाइक बेचते हैं उनसे भी आप जाकर पता कर लीजिएगा, वहाँ से आपको रेट कम ही मिलेगा, कम ही मिलेगा। हाँ, चलिए बहुत अच्छा लगा मुझे, BS6 हमने पैशन दिखा दिया है, अगले पे हम लोग आ जाते हैं, बताइए डिटेल दे दीजिए थोड़ा। ये है 19 मॉडल पैशन प्रो। अच्छा, ये पुरानी वाली मॉडल है, जो पुरानी वाली से थोड़ा सा अपडेटेड है, मतलब कह सकते हैं जो सेकंड जनरेशन आया था, सेकंड जनरेशन का। तो ये 13,000 किलोमीटर चला हुआ है। कौन से साल की है ये? ये 19 मॉडल है, 19 मॉडल है, 13,000 चली हुई है, 20 मॉडल हमने 19,000 भी चली हुई दिखाई है, तो मीटर के लिए आप निश्चिंत हो जाइए, जिसका जितना मीटर है वही बताएं। यहाँ पे जितना भी मीटर है सब एक्चुअल है, ऐसा कुछ नहीं है कि ना कि दूसरा मीटर चेंज कर दिए या कम चला हुआ है उसको लगा दिए, यहाँ पे जो ओरिजिनल कंपनी फिटेड मीटर है वो लगा हुआ है। और दूसरी चीज की यहाँ पे कोई भी गाड़ी एकदम ब्रांड न्यू की तरह मिलेगी, कोई भी स्क्रैच नहीं, मतलब शोरूम में गाड़ी है। हाँ, तो मिलेगा भी शोरूम जैसा। हाँ, शोरूम ही जैसा। ठीक है, तो ये 19 मॉडल आपने बताया। हाँ, कीमत थोड़ा सा बता दीजिए। इसका कीमत आपको पड़ेगा 48,000, 48,000 रुपए में, 48,000 रुपए में आप खरीद सकते हैं 19 मॉडल पैशन। आप पास से आकर कंडीशन भी देख लीजिएगा, साथ ही साथ आपको कंडीशन दिखाते चलेंगे, जब हम लोग डिटेल लेंगे तो आप कंडीशन देख लीजिए। 48,000 में आप इस वाले पैशन को खरीद सकते हैं। आगे है भाई, जिसका टायर अभी 95% देख लीजिए, टायर की कंडीशन, दोनों का टायर अभी 95% है, यहाँ मतलब टायर तो चेंज नहीं कराना है। हाँ नहीं, यहाँ पे आप गाड़ी अगर ले जाते हैं तो कम से कम आपको 2-3 साल तक निश्चिंत हो जाना है। बहुत बढ़िया, टायर ठीक है। जितने भी गाड़ी में टायर लगा हुआ है कम से कम 20-30,000 किलोमीटर चलेगी, आराम से चलेगी। तो इसी क्रम में हम लोग आगे आते हैं, ग्लैमर के बारे में बता दीजिए। ये है 19 मॉडल ग्लैमर। अच्छा, जो सबसे दमदार बाइक के नाम से जाना जाता है, ग्लैमर अगर फेमस हुई है तो इसी मॉडल के कारण फेमस हुई। सही बात है, बिल्कुल। और सबसे ज्यादा ये रफ बाइक है, ग्लैमर का सबसे रफ बाइक है, रफ एंड टफ। हाँ, रफ एंड टफ बाइक है ये, आदमी ऑफिस यूज भी यूज करता है, बाकी वैसे भी काम करने के लिए या कुछ हल्का फुल्का सामान ढोने के लिए भी, मतलब आप मतलब किसी भी पर्पज से आप इसको यूज कर लीजिए, ऑफिस के यूज कर लीजिए, अगर आपको गाड़ी भाई इस पे सामान लेकर आना है किसी भी तरह से आप यूज कीजिए, ये गाड़ी आपको निराश नहीं करेगी। तो गाड़ी है 2019 मॉडल, जैसा कि आप देख रहे हैं 9,000 मात्र चली हुई है। हाँ, 9,000 चली, ठीक है, मात्र 9,000 चली हुई है। कीमत बता दीजिए हमें जी। 46,500 पड़ेगा, 46,500। एक चीज आप बताइएगा, दूर दूर से वीडियो देख के आते हैं लोग, कुछ कम भी हो जाएगा? हाँ, आपके थ्रू जो भी आएगा तो उसका थोड़ा बहुत कम हम लोग कर देंगे। थैंक यू सो मच, तो थोड़ा बहुत उसमें भी कम कर देंगे। अपने पास अब दो दो सुपर स्प्लेंडर है, थोड़ा सा इस और आ जाइए, पहले सुपर स्प्लेंडर के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ये भी आपको सुपर स्प्लेंडर 19 मॉडल है। अच्छा, जो दिसंबर में 19 का है, तो समझिए कि ये 20 मॉडल हुआ, 2020 का ही मॉडल। हाँ, हुआ, क्योंकि दिसंबर है तो दिसंबर तो 19 का लास्ट है, तो ये तो 20 ही हुआ। कितना चला होगा वो? ये चला हुआ है 20,500। यहाँ पे हम लोग मीटर का कोई ऐसा नहीं है कि सब 10,000 चला हुआ है, 5,000 चला हुआ है, जो एक्चुअल चला है वही हम लोग दिखा रहे हैं। जैसे आगे में था 13,000, 14,000, 17,000, यहाँ पे 20,500 किलोमीटर चला हुआ है। और इसका इंश्योरेंस है 2024 तक इंश्योरेंस भी है। गाड़ी है अपनी सुपर स्प्लेंडर। अगर कोई अभी शोरूम में लेने जाते हैं सुपर स्प्लेंडर, कितने की आती होगी?
अभी 95 के आसपास, मतलब 95 से 1 लाख के आसपास में। हाँ, हम लोग कितने में दे रहे हैं? हम लोग इसको 52,000। अच्छा, 52 में। हाँ, 52,000 में आपको, 52,000 रुपये में आप खरीद सकते हैं। तो तकरीबन तकरीबन अगर आप देखेंगे तो आधे कीमत पे आपको मिल रही है बाइक। जिन भी भाइयों को सुपर स्प्लेंडर लेना हो कांटेक्ट कर सकते हैं, सारा डिटेल स्क्रीन पे नंबर दिया होगा, एड्रेस भी फ्लैश हो रहा होगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक और अपने पास सुपर स्प्लेंडर है दूसरे कलर में, ये भी 19 मॉडल है, ये नवंबर 2019 का गाड़ी है। ठीक है, ये 11,000 किलोमीटर चला हुआ है। अच्छा, इसको हम लोग लगा देंगे 51,000 रुपया। वो 52 था, ये 51,000 का? ये 51 है। ठीक है, ये 51,000 के आपको मिल जाएगा। तो जिनको जो भी पसंद आता है कलर उस हिसाब से आप खरीद सकते हैं। देखिएगा तो हर एक बाइक का एक दो आपको मिल जाएगा मॉडल यहाँ पे। हाँ। आगे एक और अपने पास ग्लैमर हमें दिख रहा है, बताइएगा इसके बारे में डिटेल दे दीजिएगा। ग्लैमर इसके बारे में तो हम बता चुके हैं पहले भी कि ग्लैमर किसके लिए मशहूर है। ये तो रफ एंड टफ बाइक हो गई। बिल्कुल, ये 2020 मॉडल है। ये 20 मॉडल है। हाँ, ठीक है। ये 28,400 किलोमीटर चली हुई है। 28,400 भाई, 20 मॉडल 28,400 भी चला हुआ है तो चला हुआ है, लेकिन पास से आप कंडीशन देख लीजिए, लगेगा नहीं कि ये मतलब इतनी मतलब कि चली हुई बाइक है, एकदम बढ़िया कंडीशन में है। आप देख पा रहे होंगे लगी हुई है ये सिंह मोटर्स में। कितना चला हुआ आपने बोला? 28,000। ठीक है, 2020 मॉडल 28,000 चली हुई। इसका रेट हम लगा देंगे 46,500। ये एकदम ब्रांड न्यू की तरह एकदम लगेगी। इसका इंश्योरेंस है 2025 तक। आप देख लीजिए 2025 तक इंश्योरेंस है। 46,500 रेट जो है भैया ने आपको बता दिया है। जिन भी भाइयों को बाइक लेना होगा आरा साइड से है, आप आकर यहां से परचेस कर सकते हैं। बिहार के आसपास में जहां से भी इनके आप बिलोंग करते होंगे आप खरीद सकते हैं। अब आ गई है भाई बजाज की पल्सर 150। पल्सर 150 2019 मॉडल है। ठीक है, ये चली हुई है 16,400। अच्छा, तो बहुत लोग होते हैं जो सेकेंड हैंड पल्सर लेना नहीं चाहते, लेकिन ये इसमें बता दें कि ये BS4 है। ये BS4 और जब से BS4 और BS6 है कंपनी ने अपडेटेड कर दिया है। पुरानी पल्सर क्यों नहीं लेना चाहते, इसमें वाइब्रेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, लेकिन 2020 से 19 से अपडेटेड हो गया है, तो इसमें वैसा कुछ नहीं है। ये अभी 16,400 ही चला हुआ है। इसका एकदम आवाज़ भी आपको नया की तरह है। एक चीज़ मैंने देखा है भैया कि जितनी भी बाइक लगी हुई थी, सारी जितनी भी बाइक थी सबका वाइजर पे एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं था। हाँ, इस पे स्क्रैच है, लेकिन इस पे स्क्रैच आप जैसे कि माइनर देख पा रहे होंगे। हाँ, ये टूटा हुआ नहीं है, स्क्रैच है। अगर कोई भी इसको लेना चाहेगा तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे, रिपेयर करा के देंगे, मतलब चेंज करा के देंगे, उसका कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं लगेगा। तो कीमत बता दीजिए फिर। इसका कीमत पड़ेगा 57,000। 57,000 रुपए की आप खरीद सकते हैं पल्सर 150। देख लीजिए 2019 मॉडल है, 16,400 चली हुई। इंश्योरेंस इसका भी 24 तक है। इसका भी 24 तक इंश्योरेंस, 2024 तक इंश्योरेंस इसका भी है। एक और अपने पास ग्लैमर लगी हुई है BR21, अपने बिहार शरीफ का नंबर। अरविंद जी डिटेल दे दीजिए। 2019 मॉडल है ये, 13,000 चली हुई है। ठीक है, और इसमें इसका इंश्योरेंस नहीं है। अगर अच्छा, कस्टमर जो भी लेना चाहेगा इंश्योरेंस हम इसका करा देंगे। ठीक है। इसका रेट है 46,500। 46,500 में आपको मिल जाएगा। इस गाड़ी पे भाई इंश्योरेंस नहीं है, नंबर देख लीजिए 7310। इस पे भैया कह रहे हैं कि इंश्योरेंस नहीं है, इंश्योरेंस भी करा के आपको दे देंगे। ठीक है, तो इसका टायर देख लीजिए, टायर देखिए भाई, एकदम ब्रांड न्यू जो कहते हैं वही ब्रांड न्यू कंडीशन। ये देखिए रेसा आप देख पा रहे हैं भाई, ये देखिए, तो ये सब कुछ अभी भी बरकरार है। कीमत भैया ने बताया 46,500 में आप खरीद सकते हैं। लेकिन अब जहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं ना, आज की डील बाइक है, मतलब ये समझिए कि आपको ऐसे रेट में इतनी महंगी बाइक मिलेगी आपने सोचा नहीं होगा। पूरा डिटेल हमें दे दे। इसका लाइट पहले दिखा दीजिए, लाइट जो है इसका, आप थोड़ा सा लाइट वगैरह देखें। ये देखिए भाई, आपको मिलती है इसमें LED लाइट सेटअप, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए पासिंग, आप जब जलाएंगे तो आपको फील होगा ये चीज़। तो आपको भाई ये गाड़ी जो है हीरो की ब्रांड की है ये भी। हाँ, ये हीरो की एक्सपल्स है। ये बाइक चली हुई है आपको 13,500। आप जाके पास से मीटर में भी देख लीजिए, 13,500 चली हुई है। नई में कितने की आती हो गई है अंदाजन? ये नई में आएगी कम से कम 2.25 लाख की। 2.25 लाख 2.25 लाख रुपये की नई बाइक ये आती है। देख लीजिए भाई बाइक क्या चमचमाती हुई कंडीशन पे है। ये कितने? हाँ जी बताइए। ये जो बाइक की खासियत है, ये थोड़ा सा जो ज़्यादा घूमने वाले लोग होते हैं ना, जैसे हम लोग को सैर करना है, इधर उधर घूमना रहता है, तो उसके लिए ज़्यादा ये बाइक अच्छी होती है। मतलब स्पोर्ट्स बाइक है, एडवेंचरस है। लॉन्ग टूर पे निकलने के लिए बहुत ही कम्फर्टेबल बाइक है। लॉन्ग टूर पे निकलने के लिए कम्फर्टेबल है। 2.25 लाख रुपये की नई आती है और डील प्राइस में आपको मिलेगी। और कहने को ही नहीं, पहले मॉडल बता दीजिए कौन सा मॉडल है ये? ये 20 मॉडल है, 2020 मॉडल है। 2020 मॉडल एक्सपल्स देख रहे हैं आप, 13,000 चली हुई है।
कितने परसेंट पे मिल जाएगा गाड़ी? अगर पौने 2 लाख रुपए की है तो आधे पे मिल जाएगा ये? हाँ, 74 में दे देंगे। 74 में? चलिए तो आधे से भी कम, आधे से भी कम हुआ, 74 में दे देंगे। बिल्कुल, तो 74,000 में आप खरीद सकते हैं 2.25 लाख रुपए की बाइक भाई, जो कि 2020 मॉडल है, एक्सपल्स 200 सीसी है। हाँ, 200 सीसी है। प्लस में एक्स्ट्रा वन चीज बता देते हैं, जैसे कि आप जितने भी बाइक का हम दाम बताएं उसको ट्रांसफर अलग से आपको देना पड़ेगा। ट्रांसफर खुद ट्रांसफर का क्या चार्ज है? ट्रांसफर का वही 4000 के आसपास। 4000 है, ठीक है। तो 4000 भाई ट्रांसफर का चार्ज है, जो अलग से दोनों का आपको ही पता है DTO चार्ज है भाई, वो तो आपको देना ही होता है। बाकी अगर आप देखेंगे तो आपको दोनों साइड पे बाइक दिख रही होगी, लेकिन एक वीडियो को लंबा ना करते हुए इस साइड की बाइक को किसी और दिन हम लोग कवर करेंगे सिंह मोटर से। अरविंद जी, अपने पास बाइक किस किस टाइप की होती है थोड़ा सा बता दें हमारे भाइयों को। हमारे पास बाइक 19 मॉडल, कम से कम 19 मॉडल से हम लोग बाइक रखते हैं। अच्छा, और उससे नीचे भी कभी कभी बाइक लाते हैं अगर ठीक ठाक। कितने से स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे बाइक? अगर 19 मॉडल से पहले से है तो 35,000 से चालू हो जाती है, लेकिन अगर 19 मॉडल से ऊपर है तो वो 40 से ऊपर ही जाएगी। 40 से ऊपर ही जाएगी। और अगर हम लोग बात करें कम से कम की बाइक, अपने पास तो ज़्यादातर 19, 20, 21 मॉडल ही रहती है। अगर बात करें कि हम लोग कुछ कम बजट की बाइक आती हो जो खरीदना चाहें वो लोग, तो सबसे कम क्या बजट में आ जाता है? सबसे कम बजट की बात करें तो 15,000 से भी हो जाता है। 15,000 से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो 15,000 की भाई अगर आपके पास भी बजट है ना, तब भी यहाँ पे बाइक मिल जाती है अभी। लेकिन आज की इस वीडियो में वो चीज़ नहीं थी, आज हमने आपको 19, 20, 21 मॉडल दिखाया। आज 19 मॉडल और 20 मॉडल एक्स मॉडल दिखाया। हाँ जी, यही हमने आपको दिखाया है। अगर इससे कम मॉडल वाला मतलब देखना होगा तो उसका स्टॉक अभी अभी लगा हुआ है, लेकिन किसी और वीडियो में अपन आपको दिखा देंगे। एक बार हमारे भाइयों को अरविंद जी एड्रेस समझा दीजिए, किस तरह से वो यहाँ पे आ सकते हैं वो थोड़ा बताइए। कोइलवर के पास, कोइलवर जो आरा से 17 किलोमीटर आगे पड़ती है, उससे जो नया वाला ब्रिज बना हुआ है। अच्छा। नया वाला ब्रिज से NH30 रोड है, उससे कटा हुआ है स्टेशन रोड। ठीक है, रेलवे स्टेशन का रोड कटा हुआ है कोइलवर। वहाँ पे आस्था मॉल के बगल में सिंह मोटर है। सिंह मोटर से वही हमारा एड्रेस है। बिल्कुल, तो भाई जो पटना आरा मेन रोड पे कोइलवर पड़ता है, जो आप जानते हैं, तो उस पे नया कोइलवर ब्रिज बना है। वहाँ से हमें लगता है 200-300 मीटर की दूरी है। 200-300 मीटर ही होगा, 200-300 मीटर की दूरी है। बाजू में ही आस्था मॉल है और पास में ही SBI बैंक है, किसी से भी आप पूछ के आ सकते हैं। बाकी किसी तरह की अगर आपको परेशानी हो यहाँ पे पहुँचने में, स्क्रीन पे नंबर दिया होगा अरविंद जी का, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी एड्रेस, फोन नंबर सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अरविंद जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे डिटेल दिया आपने, थैंक यू सो मच। तो भाई उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करके जाइएगा, साथ ही साथ आप कमेंट करके बता सकते हैं कैसा लगा आपको आज का ये स्टॉक। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आती रहती है। और अगर सिंह मोटर्स की आपको वीडियो और भी देखनी है तो भाई फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक अगर आप देखेंगे तो इनके शोरूम में बहुत सारी गाड़ियों का स्टॉक आपको दिख रहा होगा, जो कि आने वाले वीडियोस में आपको मैं दिखाऊंगा। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।